इधर 1 जुलाई से जीएसटी पूरे देश में लागू हो जाएगा, लेकिन मुंबई के व्यापारी वर्ग जीएसटी के बारे में क्या सोचते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। जीएसटी गवर्नमेंट ने लगाई है, उसके लिए हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जीएसटी अगर ये कपड़े में लगाने के पहले शुरुआत से यान पे लावे, यान के बाद उसको आस्ते आस्ते हम लोगों को टाइम मिलने से हम लोग भी उसमें प्रॉपर एडुकेट हो जाएंगे, हमारा स्टाफ एडुकेट हो जाएगा, हमारी स्टेशनरी प्रॉपर हो जाएगी, तो हमको ये जीएसटी भरी नहीं लगेगा। लेकिन ये अभी से सीधे सीधा हम लोग को बिना किसी को एजुकेट किए हुए जीएसटी लगा रहा है, वो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। जीएसटी को लेके भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है मार्केट में, सब व्यापारी वर्ग में भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। ये चलो ज़बरदस्ती ये लाद रहे हैं इस चीज़ को। जीएसटी फर्स्ट टाइप में कपड़े में अगर लगाना है तो यान पर लगना चाहिए। यान पे जितना भी मैक्सिमम गवर्नमेंट को अपनी अर्निंग करनी है, यान पे जितना लगेगा उसकी कॉस्टिंग जितनी आएगी, आगे कॉस्टिंग के हिसाब से आगे जाके माल बिक सकता है। यान में ना बहुत लिमिटेड कंपनियां हैं जो जीएसटी को मैनेज कर सकती है, बड़ी कंपनियां हैं उसको मैनेज कर सकती है, और जीएसटी या जो एक्साइज वगैरह लगती थी उसके सामने जीएसटी उसको वो लोग मैनेज करके वो पूरा भर सकते हैं। छोटे छोटे व्यापारी जो हैं, छोटे छोटे जो कपड़े वाले व्यापारी हैं, रिटेल वाले व्यापारी हैं, होलसेल के व्यापारी हैं, जो छोटे छोटे रूप में काम करते हैं, वो लोग हर चीज़ को मैनेज नहीं कर सकते हैं, अकाउंट्स को मैनेज नहीं कर सकते हैं। उनके ऊपर अकाउंटेंट वगैरह रखने के उनके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन आ रहा है, जिससे उनकी कॉस्ट भी ना बढ़ने वाली है। जल्दबाजी में ऐसा है, 1 जुलाई बहुत करीब है डेट, और बहुत ही जल्दबाजी हो रही है बिकॉज अभी तक किसी को नॉलेज नहीं है, एंड हाफ नॉलेज इज़ वेरी बैड। सो इनिशियल हमको और 3 महीने या 6 महीने का थोड़ा टाइम पीरियड होना चाहिए। जैसे आप यान से शुरू करते हो तो स्टेप वाइज आते 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 एंड यूज़र तक वो एडजस्ट हो जावे, कंज्यूम हो जावे। तो द इशू इज़ नॉट ऑन द टैक्स पार्ट, द इशू इज़ ऑन द कॉम्प्लायंस पार्ट। हर महीने 3 रिटर्न भरो, या हर महीने जो पूरा एक सेक्शन उसका सेपरेट कंपनी में उसको इंस्टॉल पूरा करना पड़ता है, तो उसके लिए थोड़ी जल्दबाजी हो रही है और किसी को नॉलेज नहीं है इसके बारे में। टेक्सटाइल का बिजनेस ऐसा है कि कपड़े का जब तक पेमेंट नहीं आया तब तक हम लोगों को इसके पीछे कोई भी टैक्स भरना बहुत डिफिकल्ट पड़ेगा। फ्यूचर में आगे पीछे कभी भी कपड़ा वापस आ जाता है, रिटर्न गुड्स आ जाता है, चेक वापस बाउंस होकर वापस आ जाता है, तो इसको सबको कैसे एडजस्ट करेंगे हम? हमको कहाँ सेटबैक मिलेगा, कहाँ इसमें हमको सेटिंग हो जाए होएगा, इसका कोई आइडिया नहीं आ रही है किसी को। क्यों रिटर्न गुड्स कभी 6 महीने को आता है, 3 महीने को आता है, चेक को वापस आ जाता है, तो हम लोगों को बहुत बहुत दिक्कत होगी इसके अंदर सेट करने को।